नमस्ते, सिंपली कुक में आपका स्वागत है। आज जो मैं रेसिपी आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ उसका नाम है चाट लस्सी। लस्सी तो हमने बहुत पिया है, लेकिन चाट लस्सी वो मैं आज आपको दिखाऊंगी कि किस तरीके से बनाया जाता है। यहाँ पर मैंने दही लिया है, ये मैंने घर में ही दही बनाया है। ये आप बाज़ार से खरीद सकते हो या फिर घर में ही दही बना सकते हो। इस तरीके से मैंने बना के एक बर्तन में जितना मुझे चाहिए एक गिलास के लिए मैं यहाँ पर आपको बना के दिखा रही हूँ। मैंने यहाँ पर 2 से 3 टीस्पून दही जो है वो ऐड किए हैं, और इसमें मैंने ठंडा पानी, आप इसमें बर्फ़ भी ऐड कर सकते हो, लेकिन मैंने यहाँ पर बर्फ़ ऐड नहीं किया है, मैंने यहाँ पर ठंडा पानी ऐड किया है। अब मैं इसमें थोड़े से मसाले, इसको थोड़ा सा फेंट लूँगी अच्छे तरीके से 2 मिनट के लिए। उसके बाद हमें एक एक करके थोड़े से मसाले ऐड करने हैं। जैसे कि यहाँ पर मैंने बहुत ही थोड़ा सा ज़ीरा पाउडर, ज़ीरे को आप थोड़ा सा तवे में फ्राई कर लीजिएगा, उसके बाद उसे पाउडर बना के ऐड कीजिएगा। कच्चे ज़ीरे का पाउडर ऐड मत कीजिएगा, नहीं तो एक स्मेल आता है, और अगर आप भून के ज़ीरा ऐड करोगे तो बहुत ही अच्छा सा एक फ्लेवर आएगा। उसके बाद मैंने इसमें ऐड किए हैं थोड़े से, बिल्कुल थोड़ा सा ब्लैक पेपर पाउडर, और थोड़ा सा चुटकी भर मैंने यहाँ पर नमक, और 1/2 टीस्पून बराबर मैंने यहाँ पर चाट मसाला ऐड किए हैं। अब मैं इसमें चीनी ऐड कर रही हूँ। आप जितना मीठा खाना पसंद करते हो उस हिसाब से आप चीनी ऐड कीजिएगा। मैंने यहाँ पर करीबन 3 टीस्पून चीनी ऐड किए हैं करके। अब मैं इसे अच्छे तरीके से फेंट लूँगी, करीबन फिर से 2 मिनट के लिए मुझे इसे अच्छे तरीके से फेंट लेना है। ये देखिए, इस तरीके से मैं 2 मिनट के लिए कांटे के सहारे फेंट लूँगी। अगर आपको मेरी रेसिपी पसंद आती है लाइक शेयर और कमेंट करके मुझे ज़रूर बताइएगा, और अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे कि आने वाले और भी अच्छे अच्छे वीडियोस आपके साथ मैं शेयर कर सकूं। देखिए, लस्सी जो है वो बिल्कुल रेडी हो चुकी है। अब मैं इसे एक ग्लास में निकाल लूँगी। देखिए कितनी बढ़िया लस्सी बनकर रेडी हो चुकी है। बाहर से आपको खरीद के खाने की कोई ज़रूरत नहीं है, घर पे बनाइए और एकदम ठंडा ठंडा लस्सी खाइए। ये मैं ऊपर से हाजमोला जो होता है ना उसको मैंने पाउडर कर लिया है, करके ऊपर से मैं इसे ऐड कर रही हूँ। ये बहुत ही अच्छा लगता है फ्लेवर इसका, एक बार ज़रूर ट्राई करके देखिएगा। गर्मी के समय में लस्सी जो है बहुत ही अच्छी चीज़ होती है, तो चलिए जल्दी से बनाइए और इसे ट्राई कीजिए। आज के लिए बस यही तक। नेक्स्ट वीडियो लेके मैं बहुत जल्द आपसे फिर मिलूंगी। तब तक के लिए नमस्ते।